बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों का सैनिटाइजेशन इस बीमारी को रोकने में काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है, लेकिन कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइज करने में कर्मचारियों का खतरा भी रहता है। ऐसे में औरंगाबाद में ड्रोन के जरिए सभी इलाकों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सांसद सुशील कुमार सिंह की पहल पर यह कार्य हो रहा है। ये जो ड्रोन है, इस मशीन के द्वारा पूरे शहर में औरंगाबाद में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम है। पूरे शहर में दवाई डाल के इसमें और सैनिटाइज किया जाएगा। हमने कई जगह बात की और कई जगह से चर्चाएं चल रही थी। एक आदमी तैयार हुआ, गंगा कंपनी है, और इन्होंने अपने दो लोगों को मशीन के साथ भेजा और अभी ये शुरुआत होगी। और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और भी शहरी क्षेत्रों में इस मशीन, ड्रोन मशीन के माध्यम से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यही कार्यक्रम ये कोविड ये मशीन साउथ से, दक्षिण भारत से आया है और वहीं के ये लोग हैं। और चूँकि ये कोविड की जो महामारी है, इसमें लोगों का जीवन बचाना है और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि कैसे लोगों का जीवन बच सके, कैसे लोग स्वस्थ रह सके, इसकी चिंता करें। इसमें सारे लोग लगे भी हुए हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों या अधिकारी हों या फ्रंटलाइन वर्कर हों या कोई सोशल वर्कर हों, सामाजिक संस्थाएं हों, सब लोग अपने अपने स्तर से सहयोग कर रहा है, लगा हुआ है। उसी कड़ी में हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास को हमारे पार्टी के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं और पार्टी के हमारे महामंत्री हैं और हमारे सारे नेता अशोक जी हैं, अश्वनी बाबू हैं, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता जी हैं, वार्ड आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, सब लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। अब पूरे नागरिकों का, शहरवासियों का, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हमने व्यवस्था की है, वो भी कोविड सेंटर में हम देने जा रहे हैं। हमने कंसेंट्रेटर की भी व्यवस्था कर ली है अस्पतालों में। हम औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गया जिले में भी देने जा रहे हैं कंसेंट्रेटर, फ्लो मीटर आदि चीज़ें, जो भी आवश्यक। प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में हूँ, सिविल सर्जन गया औरंगाबाद के संपर्क में, उन लोगों को जो जरूरत है, जो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, वो कहीं कहीं से अभी इन चीज़ों का बड़ा अभाव है और ये ऊंची कीमत पर, मुँहमांगी दाम पर मिल भी रहा है। इनकी अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हो रही है, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था की है। और इस महामारी से लड़ने में हम लोगों का भी एक छोटा सा प्रयास है। आज ये सैनिटाइजेशन के माध्यम से इस रफ्तार को, संक्रमण के रफ्तार को हम लोग रोकने का या कम करने का प्रयास करेंगे। इसकी आज शुरुआत यहाँ अभी हो रही है।